बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बच्चों, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज 7.1 चल रही है। कल मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस आपका मौजूद है सामने, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में से पहला पार्ट किया था और फिर उसके बाद आई थिंक दूसरा पार्ट नहीं था किया मैंने, पांचवा किया था और छठा किया था, दूसरा आपके लिए छोड़ दिया था। आज मैं नाइन्थ वाला पार्ट करूँगा और टेंथ वाला मैंने आपके लिए छोड़ देना है, क्योंकि कल जो हमने पार्ट किया था सिक्स वाला वो और जो लास्ट वाला टेंथ पार्ट है वो एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का नाइन्थ पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपके सामने करता हूँ। 2 over x square minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आगे उन्होंने इसकी ऑप्शन दे दी है, ठीक है जी, कि जो x की वैल्यूज आएंगी उनमें से अगर कोई 1 या माइनस 1 के बराबर आ जाएगी तो वो आंसर में कंसीडर नहीं होगी, वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। x जो उनसे वो 1 या माइनस 1 नहीं होना चाहिए। ये मैंने फार्मूला ओपन कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ओवर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, इसी तरह लिख दिया, ये भी इसी तरह लिख दिया और इन दोनों का एलसीएम मैंने लिया। इसमें एक्स प्लस वन भी आ गया और जो कॉमन नहीं था वो भी आ गया, यही एलसीएम था। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए तो ये वन आंसर आ गया। वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया, माइनस आ गया, एक्स प्लस वन सेम थे, बाकी x माइनस वन रह गया, x माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन आ जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे, इसमें आपने डायरेक्ट काम नहीं करना। इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस वन, 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, फार्मूला बना दिया, ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1, 3 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 1 ओवर एक्स प्लस 1। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, 3 माइनस एक्स को एक्स प्लस 1 के साथ किया तो ये इधर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इनको मल्टीप्लाई किया 3 को एक्स के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, फिर माइनस एक्स को एक्स के साथ और माइनस एक्स को फिर 1 के साथ, तो माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ करनी, एक्स वाली भी एक तरफ करनी, कॉन्स्टेंट्स भी एक तरफ कर ली, जो इधर से इधर आएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। इनमें से तीनों टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिया और आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ओवर 2 0 ही आ जाएगा। इसको मैं अब फैक्टराइज कर लूँगा, हमें दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस टू आए, ऐड करें माइनस वन आए, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस टू दोनों में से कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन बाकी रह गया, ये इसको भी 0 के बराबर कर देंगे और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। ये आ गया x इज इक्वल टू 2 और ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1। हमारी कंडीशन बेटा क्या थी, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 दीजिए कहीं, लेकिन यहाँ पर तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक हो गया जी बेटा, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। इसी तरह टेंथ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की तरह और वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आगे, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। सिलेबस में आपके हैं पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पांचवा पार्ट और आठवां पार्ट। जो दूसरा पार्ट और पांचवा पार्ट है बेटा वो है क्यूब रूट वाले
और जो पहला पार्ट और आठवां पार्ट है वो है स्क्वायर वाले। मैंने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर दिया और एक क्यूब रूट वाला कर दिया ताकि आपको दोनों में से एक एक करवा लूं, तो बाकी दो आप कर लेंगे। एक क्यूब रूट का और एक स्क्वायर का मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये देखिए, ये क्यूब रूट है, 2x माइनस 4 क्यूब रूट माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर चला गया 2 हो गया, दोनों तरफ का क्यूब ले लिया क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए, तो ये 2x माइनस 4 आ गया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 2x इज इक्वल टू ये माइनस 4 इधर आ गया प्लस हो गया, 12 आ गया, x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब वो कहता चेक भी आपने करना है, तो मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 6 पुट कर दिया, ठीक है जी, और ये 12 माइनस 4 आ गया, बाकी सब कुछ उसी तरह है, क्यूब रूट उसी तरह ही है, 8 क्यूब रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 8 का मतलब होता है मैं 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 2 क्यूब का क्यूब ले लूँगा और ये क्यूब रूट है, क्यूब और क्यूब रूट कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड बराबर आ गई, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो सा है वो होगा 6। क्या होगा सोल्यूशन सेट हमारा? होगा 6, क्योंकि हमारा 6 आंसर आया था। और उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन मैंने किया, आठवां पार्ट किया, वो स्क्वायर वाला मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने पहला पार्ट नहीं किया था, वो स्क्वायर वाला था, मैंने कहा ये आठवां करूँगा तो वो पहला उसी तरह ही होगा। ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर ले लिया स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर लेने से ये कट गए और ये बाकी ये रह गया, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 4 इंटू 2x प्लस 5 आ गई, x प्लस 1 इसके नीचे 1 था वो वही आ गया, 4 टू ज़ा 8x प्लस 20 इज इक्वल एक्स प्लस 1, 8x माइनस एक्स 1 ये 20 जाकर माइनस 20, 7x इज इक्वल टू माइनस 19, एक्स इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 7। अब हमने इसको भी चेक किया, 9x की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, प्लस 1 लिख दिया, ओवर 2 इंटू माइनस 19 ओवर 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। एलसीएम मैंने ले लिया बेटा, इसका ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो वो 7 आया, माइनस 19 प्लस 7 ओवर ये माइनस 2 और माइनस 19 माइनस 38 ओवर 7 था, वो वही एलसीएम आ गया, प्लस 75 35 ओवर 7 ठीक हो गया, दोनों के ओवर में 7 आ रहा था वो कट गया, ये माइनस 12 आ गया, ये माइनस 3 आ गया, माइनस माइनस से कट गया, 3 4 का 12 होता है और 4 का अंडर रूट लिया हमने डायरेक्टली तो वो 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 बराबर आ गया, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया माइनस 19 ओवर 7। तो ये बच्चों इस तरह हमने ये दो पार्ट किए, दो आपके लिए छोड़ दिए, आपने इनको कम्प्लीट करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, कल इंशाल्लाह हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।